नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रोटॉक्स के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो आपको आप सबको इतना पता होगा कि दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक होता है एनालॉग सिग्नल और जो दूसरा होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप लॉजिक डिज़ाइन या फिर डिजिटल सर्किट्स के नाम से भी जानते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं और इनकी टाइप्स कितनी होती है। तो हम डिटेल्ड बात करेंगे हर एक टाइप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका आपने एग्जांपल देखा होगा कि हमारे मार्केट में कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं और वॉचेस भी अवेलेबल होती हैं, तो ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करती हैं। क्यों ICs हमारे पास आ गई है अलग अलग तरह की मार्केट में। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, तो लॉजिक आपको बताता हूँ मैं कि लॉजिक गेट्स में बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है जिसमें एक इनपुट होता है या फिर दो इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ करी है, एक इनपुट या दो इनपुट्स और एक आउटपुट, ठीक है। जो इनपुट होता है वहाँ से डिजिटल सिग्नल या फिर पल्स होती है वो अंदर जाती है, और जो आउटपुट होता है वहाँ से जो हमारी पल्स या फिर सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो इनपुट है वहाँ से डिजिटल सिग्नल अंदर जाते हैं या फिर पल्स अंदर जाती है, और जो आउटपुट है वहाँ से जो हमारे डिजिटल सिग्नल है वो बाहर आ जाता है। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो यही थे लॉजिक गेट्स। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स क्या है इनकी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है और गेट। आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे नीचे, सारे गेट्स मैंने बता रखे हैं। दूसरा हमारे पास आता है एंड गेट। तो इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर एक गेट को लेंगे हम और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो तीसरा है हमारे पास नॉर गेट। चौथा है हमारे पास नॉट गेट। पांचवा है हमारे पास नैंड गेट। तो जो और गेट होता है वो जो नॉर गेट है वो उल्टा होता है और गेट का, और जो नैंड गेट है वो एंड गेट का उल्टा होता है। इतना आपने आइडिया लगा लिया होगा इनके नेमिंग से। तो जो छठा गेट है हमारे पास वो होता है हमारे पास एक्सोर गेट, ठीक है। और जो सातवां हमारे पास जो लास्ट गेट है वो होता है हमारा एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो पहले मैं सिंबल्स बना लेता हूँ इनके। तो और गेट के सिंबल पे आते हैं, कैसे बनता है ये। तो मैंने बताया था कि दो पहले हमारे पास इनपुट्स होते हैं, इनपुट सिग्नल होते हैं। तो पहले दो बना लेते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। एक कर्व होता है बीच में और फिर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होता है और गेट का, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। आउटपुट निकल जाता है इसमें। तो जो और गेट है इसमें हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं और एक हमारे पास आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला है जो है इनपुट, और यहाँ पे दो होते हैं। अभी मैं बनाता हूँ दूसरा भी। तो ये बना दिया मैंने दूसरा इनपुट भी, ठीक है। तो दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट हमारे पास मिल जाता है हमारे पास और गेट में, ठीक है। तो जो एंड गेट है, एंड गेट का भी आपको नीचे सिंबल दिख रहा होगा कैसा है कुछ। तो दो इनपुट्स है हमारे पास, ठीक है। इनको आप नेम भी कर सकते हो, ए बी एक्स वाई जैसा आप चाहो। उसके बाद ऐसा कर्व सा बना होता है इसमें, और फिर हमारे पास एक और आउटपुट होता है। तो जो एंड गेट है उसमें भी दो इनपुट्स होते हैं और हमारे पास एक आउटपुट मिल जाता है। तो अब नॉर गेट का बना लेते हैं। तो जो हमारा नॉर गेट है उसका जो सिंबल होता है वो बिल्कुल सेम होता है और गेट की तरह, बट उसमें एक डिफरेंस होता है कि उसमें ऐसे यहाँ से सर्कल बना होता है बीच में बस,
तो इसमें भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट हमें मिल जाता है। फंक्शन जो के बाद जो हमारा होता है वो एक आउटपुट हमें मिल जाता है। तो अब नॉट गेट के बारे में आते हैं। नॉट गेट का कैसा सिंबल होता है? तो नॉट गेट में ऐसे ट्रायंगल सा बना होता है और फिर एक सर्कल लगा होता है छोटा सा, और फिर एक हमें आउटपुट मिल जाता है। नॉट गेट ही एक इकलौता गेट है जिसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट हमें रिसीव होता है, ठीक है। बाकी सब में दो इनपुट लगते हैं और एक आउटपुट मिलता है, बट नॉट गेट है, नॉट गेट में बस हमें एक इनपुट देना होता है और एक आउटपुट हमें मिल जाता है। तो नैंड गेट में भी दो होते हैं इनपुट हमें हमारे पास, और ये भी एंड गेट की तरह ही होता है कुछ। तो अब देखो मैं कैसे बना रहा हूँ उसका सिंबल, और एक आउटपुट हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इनको नेम कर देते हैं पहले। तो एक इनपुट को मैंने लिख दिया ए, बी, और जो आउटपुट आ रहा है उनको सी लिख सकते हो या फिर वाई लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो ऐसे एरो मैंने दिखा दिए हैं कि कैसे हमारा डिजिटल जो सिग्नल है वो फ्लो कर रहा है। तो ए बी से हमारा इनपुट आता है और फिर बाहर निकल जाता है हमारे पास आउटपुट, जो कि होता है सी या फिर वाई या फिर ओ। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो उनके लिए, ठीक है। तो जो नैंड गेट है उसका बिल्कुल सेम सिंबल एंड गेट की तरह है, बट इसमें भी सर्कल लगा हुआ है। अब एक्सओआर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो इनपुट आ गए और इसमें कर्व बना होता है, और गेट की तरह बिल्कुल सेम है इसका, बट इसमें कर्व बना हुआ है। दो इनपुट आ रहे हैं और एक आउटपुट हमें मिल जा रहा है बाद में। तो चलिए अब बात करते हैं और गेट के बारे में कि और गेट होता क्या है सबसे पहले। तो और गेट के बारे में बात करते हैं हम। और गेट में मैंने आपको बताया कि दो हमारे पास इनपुट थे, जो कि थे इनपुट वन या फिर इनपुट ए एंड इनपुट बी, और वहाँ से मैं आउटपुट रिसीव हो रहा था जो कि था हमारे पास एक्स ओ सी या फिर आउटपुट, ठीक है। तो एक हमारे पास था इनपुट जहाँ से डिजिटल सिग्नल जा रहा था, और हमारे पास दूसरा ये था, और ऐसा कुछ सिंबल था इसका। मैंने आपको बताया अभी कैसे बनाना है, ऐसा ऐसा कुछ ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से हमें रिसीव हो रहा था एक आउटपुट, तो हमने नाम लिख दिए ए और बी, और आउटपुट को हमने नाम दे दिया वाई, ठीक है। तो जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास उसको दे दिया हमने नाम वाई। तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि अब जो इनपुट है उनमें डिजिटल सिग्नल या फिर पल्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट से निकल रहे हैं, ठीक है। बट इसमें केस क्या बन सकते हैं कि क्या पता ए में ही सिर्फ जा रहा हो हमारा जो डिजिटल सिग्नल है वो, और बी में नहीं जा रहा हो, या फिर बी में ही जा रहा हो। तो ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं। तो जब भी हम केस बनाते हैं ऐसे, तो उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये हम पहचानने के लिए लगाते हैं कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, पल्स है, वो कहाँ पे है और उससे क्या क्या आउटपुट हमें रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ पूरी ट्रुथ टेबल इसकी और गेट की। तो हमारे पास ए इनपुट था, बी इनपुट था, और वाई हमारे पास आउटपुट था। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है ये, सिर्फ दिखता ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ए आउट इनपुट था हमारे पास, बी इनपुट था, और वाई हमारे पास था आउटपुट। तो अभी आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी किसी इनपुट में या आउटपुट में डिजिटल सिग्नल होता है, टेंडेंसी होती है वहाँ पे, तो उसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वन से, यानी कि वन मतलब कि डिजिटल सिग्नल वहाँ पे है, प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सिग्नल, और अगर सिग्नल नहीं है वहाँ पे, तो जो हमारा इनपुट है या फिर आउटपुट है वहाँ पे सिग्नल हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ज़ीरो से, ठीक है। अगर सिग्नल नहीं है तो उसको हम डिनोट करेंगे ज़ीरो से, यानी कि नो सिग्नल, या फिर पल्स कह सकते हो आप उसको, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आप यहाँ पर हमें छः केस मिलेंगे। तो अभी मैं आपको केस बताता हूँ कि कैसे केस बनते हैं नीचे।
ठीक है, तो पहला केस क्या है हमारे पास, ये देखो पहला केस है हमारे पास कि हमारे पास ए इनपुट था और बी इनपुट था, ठीक है, दो इनपुट्स थे हमारे पास और वहाँ से हमें रिसीव हो रहा था एक आउटपुट, ठीक है, वहाँ पे एक आउटपुट था हमारे पास जिसको हमने नाम दिया था वाई। अब मान लो कि ए में डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, ए में डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया जीरो और वन कैसे होता है, तो ए में डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट है यानी कि वन, और बी में डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, तो ये केस वन है हमारे पास, तो ए में तो है डिजिटल सिग्नल पर बी में नहीं है यानी जीरो, जीरो से डिनोट करते हैं हम जब नहीं होता डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि वाई पे आउटपुट आएगा या फिर नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन। अब मैं बताता हूँ वन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और गेट, ठीक है, और गेट में होता है कि या तो इसमें हो या तो एक में होना चाहिए, मतलब दो हमारे पास इनपुट्स है तो उनमें से एक में होना चाहिए, अगर एक में है तो आउटपुट पे भी हमें जो सिग्नल है वो मिलेगा। तो केस टू बनाते हैं, दो इनपुट्स हमारे पास दोबारा, कि और गेट की बात कर रहे हैं हम, दो इनपुट्स होते हैं इसमें, तो ए और बी है हमारे पास, ठीक है, और ए में डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो ए हमारे पास उसमें डिजिटल सिग्नल नहीं है, और जो बी है उसमें डिजिटल सिग्नल हमारे पास है, तो ए पे जीरो और बी में वन, तो वाई पे भी वन हमें मिल जाएगा। तो मैंने बताया इसका रीज़न क्या है कि और गेट पढ़ रहे हैं, और का मतलब क्या होता है हिंदी में, और का मतलब होता है यदि, यदि या फिर या, ठीक है, तो या तो ए में होना चाहिए या तो बी में, एक में प्रेजेंट होगा तो आउटपुट पे भी हमारा जो सिग्नल होगा वो हमें मिल जाएगा। तो चलो केस थ्री बनाते हैं, केस थ्री हमारे पास है कि हमारे पास दोनों इनपुट्स थे दोबारा, ठीक है, दो इनपुट्स थे ए और बी, आउटपुट बन रहा था हमारे पास वाई। अब ए में भी ए में जो ए इनपुट है उसमें भी डिजिटल सिग्नल नहीं है, और जो बी इनपुट है हमारे पास उसमें भी डिजिटल सिग्नल नहीं है। अब दोनों में ही नहीं है तो जो हमारा वाई होगा उसमें भी डिजिटल सिग्नल नहीं होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई होगा ही नहीं, दोनों में ही नहीं है तो आउटपुट पे भी कैसे सिग्नल निकलेगा। तो केस फोर बनाते हैं कि ए में भी सिग्नल है और बी में भी सिग्नल है, तो आउटपुट पे भी सिग्नल आएगा। और गेट पढ़ते हैं तो या तो इसमें होना चाहिए या फिर दूसरे वाले में होना चाहिए, अगर दोनों में हो तो दो बहुत ही बढ़िया, वाई में आ गया हमारे पास एक सिग्नल। तो यही था हमारा और टेबल, तो उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, और ऐसे हम बनाते हैं इसके केसेस कि अगर हम ए पे ये वैल्यू रखें, बी पे ये वैल्यू रखें, तो वाई पे हमारी क्या वैल्यू आएगी। तो मैं अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा डिफरेंट आईसीज की मदद से, कि जो हमारा एलईडी है वो चल रही है फिर नहीं, ट्राई करने पे जब हम करेंगे। तो चलिए एंड गेट के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी में एंड का मतलब होता है और, तो ये जो गेट है ये कहता है या तो इनपुट जो दो है हमारे पास ए और बी, उन दोनों में हमारा डिजिटल सिग्नल होना चाहिए तभी वो आउटपुट पे कोई सिग्नल देगा, ठीक है। तो इसमें बना लेते हैं हम, ए बी इनपुट थे हमारे पास सेम और वाई हमारे पास आउटपुट था, तो इसकी भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो जो एंड गेट है उसमें भी केसेस बनेंगे जैसे हमारे और गेट में बने थे, तो एक था हमारे पास ए इनपुट और दूसरा था हमारे पास बी इनपुट। तो अब पहला केस बनता है इसमें कि जो हमारा ए है, थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ उसको मैं, तो ए हमारे पास इनपुट है और बी इनपुट है, ठीक है, और कंडीशन ये है कि जो हमारा ए है उसमें भी डिजिटल जो सिग्नल है वो नहीं है और जो बी है उसमें भी सिग्नल नहीं है। तो मैंने बताया आपको एंड गेट है, एंड गेट में दोनों में कंपलसरी मैंडेटरी है कि दोनों में सिग्नल होना ज़रूरी है, अगर दोनों में सिग्नल होंगे तभी वो आउटपुट पर सिग्नल देगा, ना तो नहीं देगा। तो केस वन है हमारे पास कि ए में सिग्नल नहीं है, ठीक है, और मैंने बताया सिग्नल नहीं होता तो ज़ीरो से डिनोट करते हैं, बता चुका हूँ एंड का मतलब है और, ठीक है, और सिग्नल नहीं होता जब तो हम उसको डिनोट करते हैं ज़ीरो से, और सिग्नल होता है अगर इनपुट या आउटपुट में उसको हम डिनोट करते हैं वन से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल नहीं है, ए में सिग्नल नहीं है और जो बी है उसमें भी सिग्नल नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है अगर दोनों में सिग्नल नहीं है
तो जो हमारा वाई होगा उसमें भी सिग्नल नहीं आएगा, वाई मतलब आउटपुट में सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि और गेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वाई पे भी ज़ीरो। ठीक है, तो दूसरा केस बना लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केस वन। तो दूसरा केस बना लेते हैं हम, ए में सिग्नल है पर बी में सिग्नल नहीं है, तो ये एंड गेट है, एंड गेट है, एक में सिग्नल होना चाहिए। एंड गेट में क्या है, दोनों में सिग्नल होना चाहिए, तो इसमें भी सिग्नल है ए में और बी में सिग्नल नहीं है। तो अब बताओ वाई में सिग्नल होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ है कि नहीं होगा ये सिग्नल, नहीं इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास एंड गेट है, दोनों में सिग्नल होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगा दोनों में सिग्नल तो हमारा आउटपुट भी सिग्नल शो नहीं करेगा वो। तो केस थ्री बना लेते हैं अब, केस थ्री, तो केस थ्री हमारे पास मिलता है कि ए में सिग्नल नहीं है और बी में सिग्नल है, इसका ही उल्टा हो गया है, तो वाई में भी सिग्नल नहीं मिलेगा। केस फोर बना लेते हैं कि दोनों में सिग्नल है हमारे पास, तो अब भाई हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है एंड गेट की, कि दोनों में सिग्नल है, ए इनपुट और बी इनपुट में दोनों में सिग्नल है, तो जो वाई आउटपुट पे भी वो हमारा शो करेगा सिग्नल, क्योंकि एंड गेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम और गेट की बात करते तो अगर ए में ज़ीरो था और बी में वन था तो आउटपुट में भी वाई में वन कर देता शो, पर ये एंड गेट है तो इसमें ज़ीरो ही करता है, अगर दो एक में भी ज़ीरो हो तो वो आउटपुट में ज़ीरो कर देगा। तो चलिए नॉट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यही एक अकेला गेट है जिसमें सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट निकलता है, बाकी सब में दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बस ए इनपुट एक ही बनेगा इसका, तो ए ज़ीरो है इसमें। अब इसकी क्या बात आती है, इसमें जो नॉट है, नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन, मतलब जैसे अगर ज़ीरो है तो आउटपुट में भी ज़ीरो आना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है कि अगर सिग्नल ही नहीं होगा इनपुट में तो आउटपुट में भी सिग्नल नहीं आएगा, बट नॉट क्या करता है उसको अपोज कर देता है, यहाँ पे नहीं है तो सिग्नल है मतलब, और अगर है तो मतलब नहीं है। तो ये बहुत दिलचस्प है गेट हमारा, तो इसके दो ही केसेस बन सकते हैं, तो वो सिग्नल को अपोज कर देता है, अपोजिट कर देता है, वन को ज़ीरो कर दिया, सिग्नल था तो मतलब नहीं है, और अगर सिग्नल नहीं था मतलब है, तो नॉर गेट ये करता है। तो अब नॉर गेट के बारे में बात करते हैं, नॉर गेट होता क्या है और इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। तो नॉर गेट ऐसा कुछ होता है हमारे पास, दो हमारे पास इनपुट्स हैं, एक सर्कल सा बना होता है और एक आउटपुट हमें मिल जाता है, तो एक इनपुट और बी इनपुट और वाई मिल गया हमारे पास आउटपुट। तो इसके ट्रुथ टेबल बना लेते हैं और इसके केसेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसका आउटपुट में सिग्नल प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता, कुछ केसेस बनाकर। हमारे पास एक ए इनपुट है, बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो अगर ए में सिग्नल नहीं है और बी में सिग्नल है तो जो नॉर है वो अपोज करता है और को, मतलब जो और गेट में, अगर इसमें और गेट क्या कहता था, और गेट कहता था दोनों में से एक में सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और गेट में हम लगा देंगे एक नॉट गेट, तो बन जाएगा हमारे पास नॉर गेट। तो ये उल्टा कर देता है, उल्टा कर देता है आउटपुट को, तो अगर हम ज़ीरो ले ए में, बी में ज़ीरो ले तो वाई में हो जाएगा वन, ए में वन ले बी में ज़ीरो ले तो वाई में दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि और गेट का उल्टा कर देता है आउटपुट को। जब ए में भी सिग्नल है बी में भी सिग्नल है तो वाई में सिग्नल नहीं मिलेगा, जब हम नॉट की बात कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि जो नॉट है हमारे पास गेट, नॉट गेट है, वो चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है नंबर को, आउटपुट को। तो अब हम नैंड गेट के बारे में बात करते हैं, तो ये एंड गेट का अपोजिट है, तो इसमें भी यही होगा जैसे नॉर गेट में हुआ था, तो हम एक नैंड गेट बनाएंगे और उसमें नॉट गेट लगा देंगे तो वो बन जाएगा नैंड गेट, तो उसमें भी जो आउटपुट होगा वो उल्टा होगा एंड गेट का।
ठीक है। तो ये अपोजिट है एंड गेट का, तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं जल्दी से। ए मेरे पास इनपुट है, बी इनपुट है मेरे पास, और वाई मेरे पास आउटपुट है इसका, ठीक है। तो चलिए इसके चार केस बना लेते हैं। तो ए में सिग्नल है ही है, बी में सिग्नल है, तो एंड गेट में क्या होता था आप ध्यान रखना, एंड गेट में नहीं होता था, क्योंकि एंड गेट में हमें दोनों मैंडेटरी होते थे सिग्नल होना। तो पर इसका ये नैंड गेट है, ये चेंज कर देता है उसकी वैल्यू, तो ये वन हो जाएगी। दूसरा केस लेते हैं, ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है, तो एंड गेट में होना चाहिए था, नहीं है, बट इसमें होगा क्योंकि ये नैंड गेट है, वो अपोजिट कर देगा उसको एंड गेट का। तो ए में सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है, एंड गेट में होना चाहिए था कि सिग्नल नहीं है, बट इस ये नैंड गेट है, इसमें होगा क्योंकि अपोजिट है। तो ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है, एंड गेट में क्या केस बनता कि सिग्नल यहाँ पे है, पर ये उल्टा कर देता है क्योंकि नॉट गेट। तो चलिए अब बात करते हैं हम एक्सोर गेट की, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो इनपुट्स हैं जो कि है ए एंड बी, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव एक्सोर गेट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक आउटपुट है वाई, तो ए हो गया हमारे पास ज़ीरो, यानी कि हमारे पास सिग्नल नहीं है वहाँ पे। तो अब आप सोचो कि आउटपुट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो या वन, तो सोच लिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए ज़ीरो, क्या ये ठीक है, सोच के देखना एक बारी क्या ये वैल्यू ठीक है, क्योंकि हम और की बात कर रहे हैं। और में क्या होता है, और में किसी एक में सिग्नल होना चाहिए, तो हमारा आउटपुट में भी सिग्नल मिल जाता है, बट यहाँ पे हमने तो ये एरर कर दी। ये तो हमने एंड गेट का केस लिख दिया यहाँ पे कि भाई दोनों में सिग्नल होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा केस बनेगा वन, जो आउटपुट है वहाँ पे हमारा बनेगा वन, ठीक है। तो दूसरा पहले केसेस लिख देते हैं सारे, इतने तो आपको क्लियर हो गया होगा केसेस क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे आना चाहिए वन, क्योंकि एक में सिग्नल है और की बात कर रहे हैं, तो एक में सिग्नल है तो होना चाहिए। तो ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे और गेट्स के बन रहे हैं। तो अब लास्ट केस पे देखो ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल है, ठीक है, दोनों में सिग्नल है, और में भी यस होना चाहिए इसका, बट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ज़ीरो। अब इसका रीज़न ये है कि ये एक्स और है, ये एक्सक्लूसिव है, स्पेशल केस है, एक्सेप्शन। तो इसी का कारण है कि यहाँ पे ज़ीरो आउटपुट मिलता है हमें एक्सोर के केस में, अगर वन वन आ रहा है हमारे पास इनपुट पे, ठीक है। तो एक्सनोर की बात कर लेते हैं हम, एक्सनोर में क्या होता है, तो और में क्या था उसका उल्टा कर दो, वो एक्सनोर हो गया, और जो उसका एक्सक्लूसिव है, जो एक एक्सेप्शन स्पेशल केस है, वो हो जाएगा हमारा एक्सनोर। तो उसको बना लेते हैं पहले, और गेट बनाऊंगा मैं, उसमें लगाऊंगा एक नॉट गेट, तो बन जाएगा हमारे पास नॉर, है ना। तो नॉर गेट बन गया, ए और बी हमारे पास इनपुट्स है, और यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा जो कि होगा वाई, सी या फिर आउटपुट। तो ए बी ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी, ए बी और वाई, चार केसेस बनाते हैं। ए में ज़ीरो है, बी में ज़ीरो है, ए में वन है, बी में ज़ीरो है, ए में ज़ीरो है, बी में वन है, ए में भी वन है और बी में भी वन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सनोर की, क्योंकि एक्सनोर में क्या आता है, तो क्योंकि नॉर की है तो अपोजिट होगा ये और का, तो अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो उसमें ज़ीरो आना चाहिए, बट यहाँ पे वन होगा, ज़ीरो और वन है तो यहाँ ज़ीरो आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सनोर है ये, ठीक है। अब लास्ट केस आपको मिलता है ज़ीरो और ज़ीरो, तो ज़ीरो और ज़ीरो है यहाँ पे हमारे और गेट के हिसाब से आना चाहिए था ज़ीरो,
बट नॉर है तो आ गया वन,